वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज महक। आज मैं करने वाली हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, और जिस ब्रांड का मैं मेकअप करने वाली हूँ उसका टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया है, जो है मेबेलिन का। मेरे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे से मेबेलिन के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड ही हैं, बट आज मैं मेकअप अपना क्रिएट करने वाली हूँ यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स ओनली। तो यहाँ पे अंदर ये कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड है, इस पे है स्टेप अप लाइट अप मेबेलिन की साइड से, एंड हमारे सभी प्रोडक्ट्स इसी में हैं, तो इसी को यूज़ करके आज मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप। बट उससे पहले द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर दिस मेकअप वीडियो इज कि हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा गेम, जो कि है नेवर हैव आई एवर विद मेबेलिन। विच मेरे पास यहाँ पे 6 चिट्स है, इसमें मैंने वो सब चीज़ें लिखी है जो कि मैंने मेकअप में कभी भी नहीं करी, तो मैं इसमें से 3 पिक करने वाली हूँ, एंड देन आई विल इंक्लूड ऑल दोज 3 स्टेप्स इन माय मेकअप टुडे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आई कांट सी एनीथिंग, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके। The first one is never have I ever color corrected my face. The second one is never have I ever used highlighter for my eyes makeup. And the third one is never have I ever tightlined my eyes. Okay, so tightline मैंने करी है अपनी eyes, but मैं इसको करने वाली हूँ आज using a bronzer and eye shadow kit, क्योंकि वही है मेरे पास इस सारे पूरे पैलेट में। तो जल्दी से मेकअप को स्टार्ट करते हैं, let's get started. सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने फेस को कलर करेक्ट, जो कि मैंने कभी नहीं किया। जो कंसीलर मैंने यूज़ किया है उसका शेड है 10 लाइट। ये वाला कंसीलर काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ढंग से आपके सारे डार्क पिगमेंटेशन को कवर अप कर लेता है। देन मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। आप चाहो तो ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ब्रश की जो कवरेज है ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बहुत ही ढंग से हाईलाइट भी कर देता है उन एरियाज़ को जहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 120, एंड इसका नेम है मेरे शेड का क्लासिक आइवरी। मैं इसको लेने वाली हूँ अपनी बैक ऑफ दी हैंड पे, और बहुत कम लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैं कलर करेक्ट कर चुकी हूँ, जो कि मेरी स्किन पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो आई विल टेक दिस ऑन माई ब्रश एंड लाइक दिस। फाउंडेशन को भी मैं अप्लाई करने के बाद ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करी है फाउंडेशन की, आप देख सकते हो। नेक्स्ट अप मैं सेम कंसीलर पिक कर रही हूँ एंड इससे हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस के उन पॉइंट्स को जिन पे को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे कि अंडर आई एरिया, आईज, फोरहेड, नोज, चिन। देन अगेन एक ब्रश लेके मैं इन सबको ढंग से ब्लेंड कर लूँगी। इन सबको ब्लेंड करने के बाद मैं अपने फेस को सेट करने वाली हूँ मेबेलिन फ्रेश कॉम्पैक्ट से इन दी शेड 112। If you have fine lines around your eyes, don't apply much product over there. उस पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर ही करो मेकअप से, वरना कितना ही अच्छा मेकअप हो, सेट अगर होने लग गया ना एक बार fine lines में, तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, आपका मेकअप फिर फ्लॉलेस नहीं आ पाएगा अंडर आई एरिया पे। एंड आई विल डैब इट ऑल ओवर माई फेस, सो दैट जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सब मेरा ब्यूटी स्पंज खा ले, एंड मेरा फेस जो है बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाए, बिल्कुल मेरी स्किन टोन की जैसे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक वेट ब्यूटी स्पंज। नेक्स्ट मैंने पिक किया है ब्लश इन दी शेड 16, एंड इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं अपनी एप्पल्स ऑफ दी चीक पे, कि बहुत ही पीची पिंक न्यूट शेड है और बहुत अच्छा जाता है। एप्पल्स ऑफ दी चीक पे लगाने के साथ मैं हल्का हल्का सा उसको एक्सटेंड कर रही हूँ अपने हॉलोज ऑफ दी चीक पे, जिससे एक अच्छा सा इफेक्ट आए फेस को जब हम टर्न करें तो। नेक्स्ट आई मेकअप के लिए मैं पिक करूंगी द सिटी मिनी आई पैलेट। सबसे पहले अपनी क्रीज लाइन पे मैंने अप्लाई किया है लाइट ब्राउन शेड एंड इसको ब्लेंड किया है लाइक दिस। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस यूं ही इसको अप्लाई कर लेना है एंड हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना है। देन डार्क ब्राउन शेड लेके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी पे एंड एक्सटेंड करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे भी और ढंग से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, सो आई मेकअप के ट्रांजिशन शेड्स तो हो चुके हैं, अब इसमें से मैं पिक करने वाली हूँ ये वाला शेड एंड इसको अप्लाई करूँगी अपने इनर वी पे आई की, बिकॉज मैंने जो नेवर हैव आई एवर था उसमें मैंने हाईलाइटर कभी यूज़ नहीं किया अपने आईज पे। सो दिस इज द कलर एंड ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता ये अप्लाई करने के बाद। आई लव दिस।
सेम इसी पैलेट के लाइट ब्राउन शेड से मैं फिल कर रही हूँ अपनी आईब्राउज को, बहुत ही लाइट मैंने अपनी आईब्राउज को रखी है। एंड डार्क ब्राउन शेड सेम पैलेट में से लेके मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे, आप देख सकते हो, एंड इसको हल्का हल्का सा स्मच कर लूँगी। सबसे पहले कॉन्टोरिंग के लिए मैं सेम यही पैलेट यूज़ करने वाली हूँ और इसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम डार्क ब्राउन शेड। बहुत पिगमेंटेड है गाइस ये। हॉलोज ऑफ़ दी चीक पे एंड जॉ लाइन पे मैं सबसे ज़्यादा कॉन्टोर करना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ यहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा चबी फेस है। आप चाहो तो इसको अपने फोरहेड पे भी कर सकते हो अगर आपका फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है तो। मेरा फोरहेड इतना बड़ा नहीं है तो मुझे कॉन्टोर करने की नीड नहीं है। जो हाइलाइटर मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया था, सेम हाइलाइटर शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि चीक बोन्स हो गई, मेरी चिन हो गई, नोज़ हो गई एंड हल्का हल्का सा फोरहेड हो गया, एंड इन सभी पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर लूँगी। सेम उसी हाइलाइटर पैलेट को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स पे आई के और आईब्रो बोन पे, इससे हमारी जो आई मेकअप है और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और हाइलाइट करेगा। नेक्स्ट अप मैंने पिक किया है मेबिलिन कोलोसल काजल, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम दे देता है आपकी लैश लाइंस को, एंड इसको मैं अपर एंड लोअर दोनों लैश लाइंस पे अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के बिना तो कोई सा भी आई मेकअप कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है मेबिलिन की द क्रीमी मैट्स, दो इसके शेड हैं तो इसको। फर्स्ट शेड इज टच ऑफ स्पाइस इन दी नंबर 660। ओके, ओ वाओ, इट्स अ पिंकी मरूनिश टाइप न्यूड शेड, थोड़ा सा न्यूड है, इतना नहीं है, बट अगर आप लाइट लगाओगे तो वो न्यूड हो जाएगा। So this is the second and it is 691 in the shade rich ruby. ये red shade है, मुझे पता ही था ये red होगा। Festive season पे एक red shade तो बनता ही है। अब मैं use करने वाली हूँ दोनों ही shade। सबसे पहले मैं red वाला apply करती हूँ। सो गाइज, मुझे थोड़ी सी आइस फीकी फीकी लग रही है तो मैं इसी सेम पैलेट में से डार्क वाला शेड लेके अपने जो अंडर दी वाटर लाइन होता है लाइक इनसाइड वाले पार्ट को थोड़ा सा टाइट लाइन कर रही हूँ। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यही है मेरा वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई जस्ट लव द वे इट टर्न आउट। मेबिलिन के प्रोडक्ट्स बहुत ही ढंग से लॉन्ग लास्ट करते हैं आपकी स्किन पे एंड इट लुक्स अमेजिंग। एंड या गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ एंड हैप्पी मैजिकल दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड।